कोविड में देखा जा रहा है वो म्यूकर माइकोसिस के केसेस देखे जा रहे हैं। ओकेजनली या रेयरली एस्पर्जिलस के केसेस भी देखे जाते हैं, जो लंग्स का अगर हम उनको किसी व्यक्ति का एक्सरे में दाग आए या हम सीटी स्कैन कराएं तो उसमें कैविटीज आ जाती हैं, उसमें एक क्लासिकल पिक्चर आती है जो हम कहते हैं ये इन्वेसिव एस्पर्जिलोसिस का के लक्षण है। और कई लोगों में कैंडिडा इन्फेक्शन भी देखा जाता है। और जो फंगल इन्फेक्शन है, जैसे मैंने बात किया क्रिप्टोकोकस की, HIV पेशेंट्स में वो ज़्यादा देखा जाता है, अभी इस दौरान इतना ज़्यादा उसके केसेस नहीं है। तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम बात कर रहे हैं तो इट्स बेटर कि हम यूज़ करें करेक्ट नेम, क्योंकि ये कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि कई दफ़ा कुछ एरियाज में अगर फंगस ग्रो करे तो उसका कलर अलग लग सकता है और उसको आप एक ही फंगस को अलग अलग कलर के नाम से लेबल करने से कन्फ्यूजन हो सकता है। ज़्यादातर अभी जो देखा जा रहा है वो म्यूकर माइकोसिस है, ओकेजनली कैंडिडा इन्फेक्शन और एस्पर्जिलस इन्फेक्शन लंग्स में पाया जा रहा है। जैसे मैंने पहले भी कहा था, म्यूकर जो है एक फंगस इन्फेक्शन है जो मेनली सॉइल में देखा जाता है, एनवायरनमेंट में है, और इट इज़ नॉट अ कम्युनिकेबल डिजीज, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति कुछ वैसे नहीं फैलता है जैसे कोविड फैलता है। तो अगर एक व्यक्ति एक जिसको म्यूकर माइकोसिस है और किसी व्यक्ति के साथ बैठा है तो ऐसा नहीं है कि उसको फंगल इन्फेक्शन उससे फैल जाएगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये समझना ज़रूरी है कि ये जो फंगल इन्फेक्शन है, 90-95% जो पेशेंट्स हैं जिनमें पाया गया है उनमें या तो डायबिटीज़ है या साथ में स्टीरॉयड यूज़ किया गया है। जिन लोगों को डायबिटीज़ नहीं थी या जिन लोगों को स्टीरॉयड्स नहीं दिए गया उसमें ये बहुत रेयरली देखा गया है, इट इज़ नॉट अनकॉमन। कई दफ़ा लोग ये कहते हैं कि ऑक्सीजन के साथ ये है इसका लिंक है, लेकिन कई पेशेंट्स ऐसे भी हैं जो घर पे इलाज कर रहे थे जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ी, घर पे उन्होंने स्टीरॉयड्स ले लिए और शुगर उनकी कंट्रोल नहीं हुई, उनमें भी म्यूकर माइकोसिस देखा गया है जो हॉस्पिटल में एडमिट भी नहीं हुए। तो एडमिशन एंड ऑक्सीजन इज़ नॉट वन फैक्टर विच इज़ डेफिनेटली लिंक्ड विद दिस। हाइजीन रखना तो वैसे भी ज़रूरी है, स्पेशली जिनको डायबिटीज़ है, क्योंकि अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन उनमें ज़्यादा है। तो जनरल हाइजीनिक मेजर जो हम पहले से कह रहे हैं कि रेगुलर वॉशिंग ऑफ हैंड्स, अगर आप कोई ऑक्सीजन यूज़ कर रहे हैं तो उसकी ट्यूबिंग प्रॉपरली क्लीन हो, जो पानी यूज़ करते हैं ह्यूमिडिफिकेशन के लिए, आइडियल सिचुएशन में अगर वो स्टराइल वाटर हो तो वो बेटर रहेगा।